दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.6 थी। नॉर्थ दिल्ली के लोगों ने 3.36 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इसका केंद्र उत्तरी दिल्ली में जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। पुणे में अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई, जिसके बाद अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 के पार हो गया है। मिशेल मार्श 108 और स्विथ स्मिथ 29 पर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 49 गेंदों में 70 रनों की साझेदारी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 108 गेंदों में 105 रन चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ में पहुंच चुका है। कांग्रेस यहां सत्ता वापसी को लेकर ताकत झोंके हुए है, तो बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने का गोड़ा भाग कर रही है। अयोध्या में लगभग 25 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनेगा। इसमें सिर्फ राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 की ब्याज दरों को खाते में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान वापस जाने के बाद इस पूरे प्रदर्शन का सबसे बड़ा नुकसान बाबर आजम को झेलना पड़ सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। पुणे में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटे ISIS के गुर्गों से पता चला है कि ये विस्फोटक मंगाने के लिए सिरका, शरबत और रोज वाटर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के मौसम में कोहरा एक परेशान करने वाला फैक्टर है और इसके कारण दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। कोहरे के दौरान आपकी ड्राइविंग पर इसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों के छिपे होने का मामला सामने आया है। वहीं अब सेना के जवानों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। वहीं अब सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत दी है। अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में उनकी जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि 1700 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग पराली जलाने से रोकने और किसानों के हित की बजाय आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सत्ता की लिप्सा में किया और आज दिल्ली और पंजाब गैस चैम्बर बन गया है। राजस्थान के दौसा में शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि एक दरोगा ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया है। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस में ही एक कांस्टेबल की बेटी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। दिवाली की छुट्टियों में गुजरात से अपने गांव जाने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर खचाखच भीड़ भरी हुई थी। वहीं भीड़ बढ़ने के कारण लोग ट्रेन में घुसे, जिससे लोगों का दम भी घुटने लगा।